हेलो दोस्तों, एसी इलेक्ट्रॉनिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही ख़ास और अच्छे बोर्ड की वायरिंग करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। दोस्तों देखिए, इसमें 10 स्विच हैं, एक सॉकेट है और दोस्तों एक फ़ैन रेगुलेटर है। मैं आपको इसकी वायरिंग करना बहुत आसान तरीका बताऊंगा, कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा। इस तरह के बोर्ड आपने बहुत लगे देखे होंगे और बहुत ही ज़्यादा रनिंग बोर्ड हैं दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अब हमें करना यह है कि हम सबसे पहले बोर्ड में देंगे फेस। ये देखिए दोस्तों, हमने ये जो रेड कलर का फेस में लगाने के तार ले लिया है और हमने इसकी पीवीसी को भी हटा दिया है। अब देखिए, हम जो स्विच, ये नीचे वाले जो 5 स्विच हैं, हम इसके नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे देंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को जिस तरह से आप लाइक और शेयर कर रहे हैं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें करना यह है कि स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमें जो 5 स्विच हैं नीचे वाले पॉइंट पर से फेस दे देंगे। हमेशा दोस्तों याद रखें, जब भी आप वायरिंग करेंगे तो अच्छे से सॉकेट लगाएं और अच्छा वायर लगाएंगे तो बोर्ड जल्दी ख़राब नहीं होगा, वायर जल्दी जलेगा नहीं, स्विच सॉकेट जल्दी जलेंगे नहीं। ये देखिए, हमने 5 स्विचों में नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें करना ये है, दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ये बोर्ड है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ये देखिए फेस दे दिया है। अब दोस्तों हमें करना ये है कि हम इस वाले स्विच से, जो हमने एक सॉकेट कनेक्शन करना है, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, ये देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काटेंगे। जिस भी स्विच से हमें कनेक्शन करना हो तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फेस को काटेंगे और वो हमें दे देंगे सॉकेट को, क्योंकि इस स्विच से हमें सॉकेट को ऑन ऑफ करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस स्विच से हमें सॉकेट को ऑन ऑफ करना है। दोस्तों इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सॉकेट को कनेक्शन कर दिया। देखिए हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको आगे बताते हैं। अब दोस्तों हमें करना यह है कि जो ऊपर वाले 5 स्विच हैं उनमें भी हमें डायरेक्ट फेस देना है, क्योंकि जब भी लाइट आए या तो डायरेक्ट 10 स्विचों में करंट जाना चाहिए। देखिए, हमने इसे वायर को, फिर वायर पीवीसी हटा ली है। अब हम ये ऊपर वाले 5 जो स्विच हैं उनके नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे देंगे। दोस्तों हमेशा वायरिंग करते समय इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि अब जब भी वायरिंग करें तो दो कलर के वायरों का भी इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम जो 5 स्विच है हम इन पे भी फेस दे दिया। देखिए स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमने डायरेक्ट फेस दे दिया है। अब हमें करना ये है कि हम ठीक है दोस्तों, देखिए 5 स्विच में हमने फेस अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। ये देखिए 5 स्विच में ऊपर वाले दे दिया। अब हम ये डायरेक्ट जो हमें इसे डायरेक्ट फेस देना है तो हमारा जो स्विच सॉकेट में डायरेक्ट फेस आया है, स्विच में जो डायरेक्ट फेस आया है वो हम दे देंगे। ये वाला वायर हम डायरेक्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए अभी हमने जो डायरेक्ट फेस आया था यहाँ पर हमने दे दिया, जॉइंट कर दिया। तो हमारा जो 5 स्विच है इसमें हमने फेस आ चुका है।
अब हमें कनेक्शन करना है, किस तरह से हम इस फैन रेगुलेटर कनेक्शन करेंगे, किस तरह से हम न्यूट्रल देंगे इसमें, हम सब हम आपको बताएंगे। प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हमने दिए न्यूट्रल देंगे, न्यूट्रल ठीक है। देखिए न्यूट्रल के लिए हमने ये नीले कलर का वायर ले लिया है और न्यूट्रल हमने दे दिया सॉकेट में, ठीक है। सॉकेट में हमने न्यूट्रल दे दिया है। अब हम आपको आगे के कनेक्शन बताते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब ये देखिए हमें कनेक्शन करने हैं, अब देखिए हम सबसे पहले ये बता दें, हम फ़ैन रेगुलेटर को अगर पंखे से कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम फ़ैन रेगुलेटर को करंट देंगे। तो हम ये स्विच है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम दे देंगे फ़ैन रेगुलेटर के जो दो वायर निकले होते हैं उसमें से एक वायर दे देंगे, जिससे कि फ़ैन रेगुलेटर में करंट आ सके, फेस आ सके। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फ़ैन रेगुलेटर का कोई भी एक तार दे देंगे, हम दे दिया। अब दोस्तों हमें क्या है, हमारा जो एक तार फैन रेगुलेटर था उसमें हमने दे दिया पंखे का फेस, पंखे को जो फेस देना वो फेस दे दिया हमने। अब हमने जो न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल हमारा ये ब्लू कलर का जो न्यूट्रल आया हुआ है नीले कलर का, हम यहाँ से दे देंगे न्यूट्रल। ये दोस्तों हमेशा मैं इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की बोर्ड की वायरिंग कनेक्शन करने का तरीका बताऊँ तो वो बिल्कुल आसान हो, और जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत कोई परेशानी वायरिंग करने में ना हो। ये देखिए कनेक्शन हो चुके हैं, सबसे पहले हमने 10 स्विचों में फेस दे दिया है, फिर हमने क्या करा इस वाले स्विच से सॉकेट को कनेक्शन कर दिया, न्यूट्रल दिया सॉकेट में, ठीक है। फिर हमने फ़ैन रेगुलेटर कनेक्शन करें, ये देखिए स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से, स्विच से हमने इसलिए कनेक्शन करे हैं दोस्तों कि हम स्विच से भी ऑन ऑफ कर सकें पंखे को और फ़ैन रेगुलेटर से भी। अब ये देखिए हमने ये कनेक्शन कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल में फेस फेस में, चाहे बोर्ड में कनेक्शन करें मीटर में करें टेस्टर से चेक कर फेस फेस में और न्यूट्रल न्यूट्रल में दे देंगे। ये देखिए अब हम आपको इसे चेक कर बताते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी बोर्ड की वायरिंग करें और तो उसे बहुत ही सावधानी से चेक करें, क्योंकि करंट कभी भी लग सकता है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा स्विच से हमने जो सॉकेट करा था ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक। अब हम आपको पंखे जो कनेक्शन कर रहे थे हम वो बता दिखा दें, ये दोस्तों देखिए ये हमारा स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है और रेगुलेटर से भी ऑन ऑफ हो रहा है, और रेगुलेटर देखिए स्पीड कंबल जो बल्ब कंबल करता हुआ आपको जलता हुआ दिखे जला दिख दिख जाएगा। ये देखिए हमारा स्पीड कम हो चुकी है, अब ये हम ये देखिए थोड़ी स्पीड और बढ़ गई, ठीक है, अब ये और बढ़ गई, इस तरह से हम ये देखिए ये बढ़ गए, ठीक। फैन रेगुलेटर से भी ऑन ऑफ होगा और स्पीड कंबल भी होगी और स्विच से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हमने स्विच से कनेक्शन करे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम और भी कनेक्शन कर सकते हैं, जो हमारे जितने भी इसके अंदर स्विच लगे हैं वो भी इसी तरह से करेंगे, स्विच से हम फेस काट के दे देंगे, जो भी बल्ब होल्डर वगैरह कुछ भी चलाना है पंखा चलाना है तो स्विच से हम फेस काट कर देंगे, और दोस्तों न्यूट्रल दे देंगे जो हमारा ब्लू कलर का, जहाँ पर भी न्यूट्रल आया हो वहाँ पर हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको समझ में भी आ गई होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। और किसी भी तरह की वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो आपके लिए ज़रूर तैयार करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।